आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। चीनी सेना के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली द्वारा किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के अधिकारियों की भी वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान भारत पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे से सैनिकों की वापसी पर जोर दे सकता है। भारत और चीन के बीच 14 अगस्त को पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्डो में कार कमांडर स्तर की 19वें दौर की वार्ता होने की संभावना है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच 3 वर्षों से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध का समाधान खोजने पर विचार विमर्श किया जाएगा। मई 2020 में चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर आक्रामक ढंग से यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। चीनी सेना के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली द्वारा किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय और ITBP के अधिकारियों की भी वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान भारत पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे से सैनिकों की वापसी पर जोर दे सकता है।